खबर जैसलमेर से है, जहां पर ई लर्निंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग कार्यालय के चक्कर लगाने की और जरूरत नहीं होगी, घर बैठे ही लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और आधार नंबर फीस के साथ प्रक्रिया पूरी करने पर लर्निंग लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। आपको बता दें कि लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, टेस्ट पास करने पर लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। जैसलमेर सहित राज्य में अब लाइसेंस बनाना आसान हो चुका है। जी हां, परिवहन विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, उस पर अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद घर बैठकर ही आप ई लर्निंग लाइसेंस पा सकते हैं। आज ई लर्निंग लाइसेंस कैसे बनेगा और क्या इसकी जो है उपयोगिता है और किस तरीके से इसको आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए हम पहुंचे हैं जैसलमेर के परिवहन कार्यालय में, जहां पर हम बात कर रहे हैं यहां के एक अधिकारी से और जानते हैं कि क्या रहेगा और कैसे जो है योजना आगे बढ़ेगी। जी बताइए, क्या आवेदन करने की प्रक्रिया है और कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा? जी सर, लर्निंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए विभाग के पोर्टल के ऊपर, सारथी के ऊपर जाके आवेदन करना होता है। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक ई केवाईसी जो आधार बेस्ड है और एक जिनके ऊपर आधार बेस्ड नहीं है, वो भी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और ई केवाईसी के माध्यम से आवेदन करने पर प्रार्थी के पास ओटीपी जाता है, ओटीपी जाने के बाद में वो कंफर्मेशन होता है, फीस डिपॉजिट होती है, उसके बाद में उसके पास में एक पासवर्ड आता है जिससे वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद में वो ऑनलाइन ही अपना लर्निंग लाइसेंस भी प्रिंट आउट निकाल सकता है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में आम जनता कितनी जागरूक होती है और ई वेब पोर्टल के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस बनवाती है या नहीं। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत कुमार।